गाइज Realme 2 Pro में ColorOS 6 का अपडेट हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक आ जाए, लेकिन अगर आपका बूट लोडर अनलॉक्ड है तो यू कैन ट्राई OxygenOS। जी हाँ गाइज, OxygenOS GSI ROM आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। OxygenOS वर्जन 5.1.6 जो कि है एंड्रॉयड ओरियो बेस्ड, आप आसानी से अपने Realme 2 Pro में फ्लैश कर सकते हो। गाइज कल रात ही मैंने फ्लैश किया है ये रोम और इनिशियली मुझे बहुत ही स्मूथ लगा, बट आप इसे अगर एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करना चाहते हो तो आप मेरे नेक्स्ट रिव्यू तक वेट कर सकते हो। उसमें मैं आपको इसके परफॉर्मेंस के बारे में, बैटरी लाइफ के बारे में एंड कैमरा के बारे में और क्या बग्स मिला है, क्या इश्यूज़ मिला है, सारा डिटेल शेयर कर दूंगा। वैसे फिलहाल रोम मुझे स्मूथ लगा और साथ में कैमरा भी काम कर रहा है। गाइस परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पबजी मैंने इसमें स्टार्ट करके देखा, एचडी ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट मुझे मिल गया और 2-3 मिनट मैंने गेम को खेला तो मुझे गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, गेम स्मूथ लगा। लेकिन आप इसे प्लीज़ मेरा रिव्यू मत समझना, क्योंकि इस तरह के जो GSI रोम होते हैं ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं, तो आप एक नए एक्सपीरियंस के लिए इस तरह के रोम्स इंस्टॉल कर सकते हो। गाइज रोम इंस्टॉल करने के लिए या कोई भी GSI रोम इंस्टॉल करने के लिए आपको आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, और आपने अगर पहले नहीं किया है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार चेक कर लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप YouTube पे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। तो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपको इसमें कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और गाइज इसे इंस्टॉल करने के लिए भी वही पुराना फार्मूला यानी फास्ट बूट से आपको कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी रिकवरी डॉट आई एम जी यानी रिकवरी का जो भी नाम है डॉट आई एम जी के साथ करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए। गाइस इस वीडियो का क्रेडिट जाता है Realme 2 Pro टेलीग्राम ग्रुप को और Anabhi को, और रोम फ्लैश करने के लिए मैंने यूज़ किया है पावरफुल रिकवरी बाय Anabhi, बट किसी कारण से ये रिकवरी मैं इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था अपने Realme 2 Pro में, तो मैंने TWRP रिकवरी बाय Anabhi इंस्टॉल किया, फिर रिकवरी मोड से रेड रिकवरी डॉट आई एम जी फ्लैश कर लिया। किसी भी रिकवरी मोड से आप कोई दूसरा रिकवरी डॉट आई एम जी फाइल आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। आपको जाना पड़ेगा मेन मेन्यू पे, इंस्टॉल बटन पे टैप करना, नीचे इंस्टॉल इमेज सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद जो भी रिकवरी आपको इंस्टॉल करना है जो डॉट आई एम जी फाइल है, जिप फाइल भी आप फ्लैश कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इंस्टॉल इमेज नहीं इंस्टॉल जिप सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस फाइल को फ्लैश कर लेना, फिर रिबूट टू रिकवरी कर देना, आप लेटेस्ट रिकवरी में आ जाओगे। गाइज अगर आप OxygenOS इंस्टॉल करना चाहते हो रेड रिकवरी से तो लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये एक जिप फाइल है, जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना, उसे एक्सट्रैक्ट करना, उसके अंदर आपको ADB ड्राइवर्स फास्टबूट फाइल्स वगैरह मिलेगा और साथ में मिलेगा पासवर्ड रिमूवर जिप। तो गाइज OxygenOS इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए 3 फाइल्स, boot.img, system.img, vendor.img, तीनों जिप फाइल है, आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर से .img फाइल्स मिल जाएगा। गाइज रोम फ्लैश करने के लिए आपको SD कार्ड यूज़ करना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आप तीनों OxygenOS के फाइल्स जो आपको फ्लैश करना है SD कार्ड में मूव कर देना। रिकवरी मोड में जैसे ही बूट करोगे आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको वाइप में जाना और डेटा वाइप कर देना। तो जैसे ही आप डेटा वाइप करोगे आपको इंटरनल स्टोरेज जो है वो दिखेगा, यानी इससे पहले आपको इंटरनल स्टोरेज नहीं दिखेगा जब तक आप वाइप नहीं करोगे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप SD कार्ड यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप वैसे फ़ोन में सारे फाइल्स को यानी OxygenOS के सारे फाइल्स को कॉपी कर सकते हो, लेकिन सिस्टम इमेज जो है यानी .img फाइल इतना बड़ा है 5GB का है जो कि कॉपी नहीं हो पाएगा। मैंने इसे ट्राई करके देखा, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप SD कार्ड में इसे कॉपी कर लेना। एंड गाइज उसके बाद आप पासवर्ड रिमूवर जिप जो है ये फ्लैश कर लेना, ताकि फ़ोन जैसे ही आप इंस्टॉलेशन के बाद बूट करोगे तो फिर से आपको पासवर्ड एंटर करने को बोला जा सकता है, तो आप पहले से ही पासवर्ड रिमूवर जिप फ्लैश कर लो। गाइज अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी कोई भी रोम आप इंस्टॉल करना चाहो तो पहले अपने इम्पॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लेना, कभी भी आपको डेटा फॉर्मेट करना पड़ सकता है। उसके बाद रिकवरी मोड में जाने के बाद आप अपने स्टॉक रोम का भी बैकअप ज़रूर ले लेना, ताकि अगर आपको रोम अच्छा ना लगे तो आप वापस से अपने स्टॉक रोम में वापस आ सकते हो। तो चलिए अब फटाफट OxygenOS इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं OxygenOS Realme 2 Pro में कैसा दिखता है। तो गाइस सबसे पहले आपको वाइप में जाना है और यहाँ से सिस्टम डेटा कैश डालविक वेंडर आपको वाइप कर देना है। गाइस इंस्टॉल बटन पर टैप कीजिए, उसके बाद नीचे यानी बॉटम राइट पे इंस्टॉल इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है boot.img फाइल, और boot.img फाइल के लिए आपको पार्टीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा बूट।
उसके बाद आपको system.img फाइल इंस्टॉल करना है और आपको पार्टीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा सिस्टम इमेज एंड लास्ट में vendor.img फ्लैश करने के लिए आपको पार्टीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा वेंडर। क्लियर है बात? तो अब फ्लैशिंग हो जाने के बाद फ़ोन को रिबूट कर दीजिए। तो गाइस फ़ोन बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक कप गर्मा गर्म चाय का मज़ा लीजिए, फ़ोन बूट हो जाए, फ़ोन को सेटअप कीजिए एंड एन्जॉय ऑक्सीजन ओएस ऑन रियलमी 2 प्रो। गाइस अगर आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं 2-3 दिनों में कुछ डिटेल और आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस के बारे में, बैटरी लाइफ के बारे में, कैमरा के बारे में, इश्यूज़ के बारे में एंड बग्स के बारे में। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं कि इस तरह के कस्टम रॉम्स जो होते हैं ये एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए होते हैं, यानी आपका यह डेली ड्राइवर मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी एक नए एक्सपीरियंस के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के लिए आप इस तरह के रॉम्स को ट्राई कर सकते हो, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो गाइस अगर आपके पास है Realme 2 Pro और इस तरह के कंटेंट आप रेगुलर देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ताकि मुझे ऐसे कंटेंट बनाने में मज़ा आए। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए iPhone Unboxed।